नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नोहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक उत्तर व्यवहारवाद मूल मान्यताएं या लक्षण पढ़ेंगे। उत्तर व्यवहारवाद का टॉपिक प्रारंभ कर रखा है हमने आजकल, तो आज इसके मूल मान्यताएं या लक्षण पढ़ रहे हैं। १९६५ के पश्चात व्यवहारवादियों ने स्वयं ही यह अनुभव किया कि हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के प्रयास में, भौतिक विज्ञानों के समकक्ष बनाने के प्रयास में तकनीकों पर अधिकाधिक जोर देने लगे और प्रासंगिकता को हमने भुला दिया था। इसलिए हम अपने अध्ययन को प्रासंगिकता नहीं दे पाए, तो हमें अपने आप को सुधारना होगा और उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन स्वयं व्यवहारवादियों ने ही किया, तो व्यवहारवादी ही उत्तर व्यवहारवादी बने और उन्होंने व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई थी उनको सुधारने का प्रयास किया, अनुसंधान को भी आगे बढ़ाया और प्रासंगिक बनाने का उसे प्रयास किया। तो उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत डेविड स्टर्न ने दो नारे दिए हैं, कर्म और प्रासंगिकता। यानी कर्म करें, समाज के पुनर्निर्माण में लगे, समाज की समस्याओं का समाधान करें, और जो समस्याएं, जो रिसर्च है हमारी, जो अनुसंधान है, उसे प्रासंगिक होना चाहिए, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, ऐसा उत्तर व्यवहारवाद मानता है। तो उत्तर व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं या लक्षण पढ़ रहे हैं हम। तो पहला आता है परविधि से पूर्व सार। परविधि से पूर्व सार, व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण वह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों के प्रयोग में, जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है। महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के साथ शोध कार्य की प्रासंगिकता स्थापित की जानी चाहिए। ऐसा करने में यदि शोध तकनीक बाधक बनती हैं तो शोध छोड़ दें, तकनीक छोड़ दें, प्रासंगिकता को नहीं। यानी कहने का तात्पर्य है, पहला जो इसका लक्षण आता है कि प्रविधि से पूर्व सार, तकनीक का इस्तेमाल करें अच्छा है, लेकिन उससे पहले ये देखना ज़रूरी है कि जिस उद्देश्य के लिए उस तकनीक का प्रयोग किया जाना है वह उद्देश्य साथ है कि नहीं। यदि हम तकनीक को पकड़े बैठे हैं और उद्देश्य को भूल गए हैं तो ऐसी तकनीक का कोई लाभ नहीं है, ऐसी तकनीक को छोड़ दें। व्यवहारवादी कहते हैं ऐसी तकनीक जो अप्रासंगिक अध्ययन करे उसे छोड़ दें। तो तकनीक का विकास करें, लेकिन उसका प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है वह उद्देश्य हमेशा ध्यान में रखा जाए। जो अनुसंधान किया जाए वो किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तकनीक का प्रयोग करते हुए किस उद्देश्य के लिए वो कार्य किया जा रहा है, वो उस उद्देश्य को निश्चित तौर पे हाथ में रखें, उसको ध्यान में अवश्य रखें, भले ही तकनीक कम प्रयोग करें, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो परविधि से पहले सार या प्रासंगिकता जो है, यानी जिस समाज के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं उन सामाजिक समस्याओं से तारतम्य अगर हमारी रिसर्च का नहीं है तो उस रिसर्च को छोड़ दें, उस अनुसंधान को छोड़ दें, समस्याओं से तारतम्य स्थापित करने वाली अनुसंधान ही करें।
तो प्रविधि से पूर्व सार उद्देश्य हमेशा ध्यान में रखें कि किसके लिए जो है तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो व्यवहारवादी ये जो है तारतम्य स्थापित करने में असफल हो गए थे। दूसरा आता है सामाजिक परिवर्तन पर बल। सामाजिक परिवर्तन करें ऐसा उत्तर व्यवहारवाद मानता है। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तन से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई थी। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने आप को सीमित रखता है। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ को उनकी प्रासंगिकता को समझने का प्रयास नहीं करता। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवहारवादी जाने अनजाने रूढ़िवादी हो गए थे। तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने आप को सीमित उन्होंने रख लिया था। इससे क्या है कि एक समय के पश्चात व्यवहारवादी भी रूढ़िवादियों की श्रेणी में रखे जाने लगे और उन्होंने सामाजिक प्रासंगिकता को जो है भुला दिया था। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद यह मानता है कि रूढ़िवादी नहीं बनना है बल्कि जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान करना है और समाज में व्यापक परिवर्तन करने का प्रयास करना है। सामाजिक परिवर्तन लाने हैं, सुधारात्मक परिवर्तन लाने हैं, सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास जो है सोशल साइंटिस्ट को करना चाहिए। और अंतिम वैज्ञानिक भी एक सामाजिक वैज्ञानिक ही हैं तो उनका उद्देश्य भी सामाजिक परिवर्तन का ही है। ये भूले नहीं व्यवहारवादी ऐसा उत्तर व्यवहारवाद मानता है। तो सामाजिक परिवर्तन पर बल। तीसरा आता है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। जो समस्याएं हैं समाज की उनका विश्वसनीय निदान होना चाहिए ऐसा उत्तर व्यवहारवाद मानते हैं। व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान ने राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता तोड़ लिया था। व्यवहारवादी युग में व्यवहारवादियों ने तकनीक पर इतना जोर दिया कि वो भूल गए थे कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर का समाज किन समस्याओं को झेल रहा है। उनकी तरफ देखना भी समाज विज्ञान होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व है, ये उन्होंने भुला दिया था। अणु बम का भय, बढ़ती जनसंख्या, दूषित वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों में आर्थिक असमानता आदि ऐसे संकट हैं जो मानवता का विनाश कर सकते हैं। राजनीति शास्त्र का औचित्य तभी है जब समाज में व्याप्त विषमताओं, संघर्षों, आकांक्षाओं, संदर्भों एवं चिंताओं का उचित समाधान किया जाए। यानी ये विभिन्न जो समस्याएं गिनाई ये उस टाइम थी जब उत्तर व्यवहारवाद प्रारंभ हुआ, व्यवहारवाद चल रहा था और आज भी अनेक समस्याएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। यदि राजनीति विज्ञान इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है तो ऐसे समाज विज्ञान का क्या औचित्य है जो समाज की व्यवहारिक समस्याओं का ही समाधान नहीं कर पाए, जो उनसे कोई संबंध ही नहीं रखे। ऐसे विज्ञान, ऐसे विषय का भी क्या औचित्य है? तो उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि समाज की व्यापक समस्याओं का समाधान उनको करना चाहिए, तभी विषय प्रासंगिक रहेगा। आगे आता है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया था। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान को नीरस और प्रयोजनहीन बना दिया था। मूल्यहीन दृष्टिकोण ने, मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान को बिल्कुल नीरस और प्रयोजनहीन, उद्देश्यहीन बना दिया था। मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। मूल्यों के बिना ज्ञान का गलत उद्देश्यों में प्रयोग का खतरा रहेगा। यानी
व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को भौतिक विज्ञानों की समकक्ष लाने का प्रयास किया, विज्ञान बनाने का प्रयास किया, सही भविष्यवाणी करने की सोची, इसलिए उन्होंने मूल्यों को दरकिनार कर दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था और मूल्यविहीन दृष्टिकोण अपनाने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि मूल्यों के बिना समाज विज्ञान का कोई महत्व नहीं है, समाज में ऐसे ज्ञान का कोई महत्व नहीं है जो समाज के मूल्यों को ही ध्यान में नहीं रखे, जो तो मूल्यों की एक केंद्रीय भूमिका होती है, नहीं तो ज्ञान का गलत प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो टेक्नीशियन बन के रह जाएंगे जिनका समाज के साथ जो खिलवाड़ ही करेंगे। तो ऐसे वैज्ञानिकों की आवश्यकता नहीं है राजनीति विज्ञान में, इसलिए मूल्यों की भी केंद्रीय भूमिका, मूल्य और आदर्श भी जी उनके महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनके बिना भी ज्ञान का गलत प्रयोग किया जा सकता है। तो मूल्यविहीन दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के लिए घातक हो सकता है, ऐसा उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं। आगे आता है बुद्धिजीवियों की भूमिका। बुद्धिजीवी होने के नाते राजनीति शास्त्रियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा उत्तर व्यवहारवाद मानता है। बुद्धिजीवी होने के नाते राजनीति शास्त्रियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिकाधिक प्रयत्नशील होना उनका मुख्य उत्तरदायित्व है। यानी वे केवल एक कमरे में बंद होकर के रिसर्च करते रहें और समाज से नाता तोड़ लें, ऐसे बुद्धिजीवी राजनीति विज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए बुद्धिजीवी समाज से तारतम्य स्थापित करते हुए मानवता के जो मूल्य हैं, सभ्यता के जो मानव सभ्यता के जो मूल्य हैं उनको उनका संरक्षण करें, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए उनका संरक्षण करें और मानवता के बचाव में आगे आएँ, ऐसा बुद्धिजीवियों की भूमिका होती है। क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग समाज का अग्रणी वर्ग माना जाता है, वे ही अगर कर्तव्य विहीन हो जाएंगे, कर्तव्य से आंखें मूंद लेंगे तो समाज को दिशा कौन देगा, ऐसा उत्तर व्यवहारवाद मानता है। तो बुद्धिजीवियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे उन्हें स्वीकार करना चाहिए और जिम्मेवारी को लेना चाहिए। आगे आता है कर्मनिष्ठ विज्ञान। कर्मनिष्ठ विज्ञान है क्रांति विज्ञान, ऐसा ही मानते हैं उत्तर व्यवहारवादी। मानते हैं कि कोरे चिंतन की और उन्मुख ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए जिसका समसामयिक समस्याओं के सुलझाने में योगदान हो। राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान से कार्य विज्ञान बनाना चाहिए, यानी ऐसा शोध करें, ऐसा अनुसंधान करें, ऐसा कार्य करें जो समस्याओं का समाधान कर सके, जो कोई काम आए, कहने का तात्पर्य है जो समाज की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सके, प्रोवाइड कर सके, तभी जनता को भरोसा होगा, सभी को भरोसा होगा राजनीति विज्ञान पर। तो राजनीति विज्ञान को एक मनन विज्ञान, सिर्फ सिद्धांत देने वाले विषय के बजाय उसे कर्मनिष्ठ विज्ञान, जो काम आए, ऐसे विषय के रूप में विकसित हमें करना है, ऐसे विज्ञान के रूप में विकसित हमें करना है, ऐसा उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं। तो कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाना है राजनीति विज्ञान को। आगे है व्यवसाय का राजनीतिकरण। व्यवसाय किसका? बुद्धिजीवियों के व्यवसाय का राजनीतिकरण करना है। राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। बुद्धिजीवियों को एक सकारात्मक भूमिका निभानी है समाज में ताकि समाज को सही दिशा दी जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, संघ और समुदाय इनके जो संगठन होते हैं उनके समुदाय, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। तो व्यवसाय का राजनीतिकरण का तात्पर्य है कि जो बुद्धिजीवियों का व्यवसाय है उसका समाज से सीधा जुड़ाव होना चाहिए और उनको समाज के समस्याओं के समाधान में सक्रिय रूप से भागीदारी उनके स्थापित हो जानी चाहिए, और इनके जो संगठन हैं, समुदाय हैं, और यहाँ तक कि
विश्वविद्यालयों को भी समाज की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में सक्रिय रूप से आ जाना चाहिए और समाधान प्रोवाइड करना चाहिए, समाधान देना चाहिए। तो व्यवसाय के राजनीतिकरण का तात्पर्य यही है कि शिक्षकों और व्यवसायी जो राजनीति शास्त्री हैं उनको समाज से नाता नहीं तोड़ के रखना चाहिए, बल्कि उनका सीधा संबंध उससे होना चाहिए और समाज की समस्याओं से तारतम्य स्थापित करते हुए समाज की समस्याओं के समाधान के लिए उनको कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। रिसर्च करें, अनुसंधान करें या किसी भांति जो है इन समस्याओं का वास्तविक समाधान प्रस्तुत करें और उनके जो संगठन हैं वो भी समाज से सीधे जुड़ के रहें ताकि समाज में उनकी प्रासंगिकता बनी रहे। तो आज हमने उत्तर व्यवहारवाद के मूल जो लक्षण हैं या मूल मान्यताएं हैं उनको पढ़ा। धन्यवाद।